नमस्कार, आज अप्रैल मास 6 तारीख बुधवार। आज मुख्य खबर, नंबर 1 अग्निशम एम्बुलेंस और पुलिस सेवा पर 112 नंबर को कॉल करे ए तीन टी सेवा मिलिबो। प्रथम पर्याय राज्य कोटे जिले रे ए सेवा उपलब्ध हेबो। ए सेवा कटक ओएमपी स्थित रिजर्व पुलिस पड़िया रे शुभारंभ करा जायछि। राज्य स्वतंत्र डीजी मनोज छाबरा पताका देखाई या को शुभारंभ करिसंते। यही एमरजेंसी रेस्पॉन्स वाहन गुड़िकर परिचालना एवं कार्यकारिता पर चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड को दायित्व दि जाएगी। अन्य जरूरीकालीन सेवा गुड़िकर यह सेवा राज्यर समस्त लोकों पर संपूर्ण मागणा रहइबो। वर्तमान सरकार नागरिक मानको अलग अलग श्रृंखला माध्यम रे पुलिस अग्निशम स्वास्थ्य सेवा इत्यादि परी अनेक जरूरीकालीन सेवा जोगाउछंती। एकाधिक संख्यक जरूरीकालीन नंबर गुड़िकर उपस्थिति जनसाधारण मन में द्वंद सृष्टि करुछि। तेणुकरी ए नूतन 112 इमरजेंसी रेस्पन्स सेवा माध्यम रे एक साधारण सामग्रिक प्लेटफॉर्म पुलिस अग्निशम एम्बुलेंस एवं अन्य सेवा को एकत्रित नहीं आसीबो बोली ओडिशा सरकार का तरफ रु सूचना दिया जायछि। नंबर 2 श्रीमंदिर रोषघर चूड़ी भांगिबा घटना रे सीसीटीवी रु जना संदिग्ध युवक चिन्हट करा जायछि। तेबे से सेवायत कि नुहे ता स्पष्ट होइनाई। एने पुरी एसपी विशाल कन्वर सिंह प्रतिक्रिया दैछन्ति। अपरपक्ष सुरक्षा नियोजित 4 जन जेटीपी जगन्नाथ टेम्पल पुलिस को पचार उचार चली 4 जेटीपी को नोटिस करा जायछि। ए 4 जन जेटीपी संपृक्त युवक को श्रीमंदिर बाहर को आनी छाड़ी सीसीटीवी देखा मिली। अन्य पटे अन्य 2 जन को मध्य पुलिस पचार उचार करुछि। नंबर 3 केन्द्र बीजेपी सरकार देशवासी को एक भयंकर परिस्थिति को ठेली देछि। दरदाम वृद्धि साधारण जनता को नयांत एवं तड़ितड़ांत कर लोकों भितर त्राई त्राई चित्कार। पेट्रोल डीजेल रंधन गैस दाम उद्वेगजनक भाव में बढ़ी चलती। गत 15 दिन भितर 13 थर पेट्रोल और डीजेल दाम बढ़ी। आज भुवनेश्वर पेट्रोल दाम 111 टंका 53 पैसा एवं डीजेल 101 टंका 29 पैसा गैस 976 टंका रे पहुंची। यार प्रभाव रे अन्यान्य नित्य व्यवहार्य जिनिषपत्र दर प्रबल मात्रा रे बढ़ी जहाँकि साधारण जनजीवन को चरम दुर्दशा भितर को ठेली देछि। याकु नै आज केन्द्र बीजेपी सरकार को शाणित आक्रमण करिछन्ते कांग्रेस राज्य प्रवक्ता श्रीयुक्त सुदर्शन दास। नंबर 4 नीति आयोग रिपोर्ट अनुसार दारिद्र्य तालिकार नवरंगपुर जिला राज्यर शीर्ष स्थान अख्तियार करथिला। वर्तमान बाल्य विवाह रे भी ए आदिवासी अधिष्ठित जिला राज्य रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि। विडम्बनार विषय हला जातीय हारर पाखापाखि 2 गुण नवरंगपुर जिलार बाल्य विवाह हार रहिछि। रिपोर्ट अनुसार बाल्य विवाह रे जातीय हार 23.3% एवं राज्य रे 20.5% रहिछि। एही तुलना रे किंतु नवरंगपुर जिलार हार चिंताजनक। नवरंगपुर जिले में वार्षिक 39.4% बाल्य विवाह होउछि। नवरंगपुर जिला पछको 39.3% मालकानगिरी जिला रहिछि। सेही भले कोरापुट जिलार हार 35.5% और रायगढ़ जिलार हार 34.4% भले सर्वेक्षण रु जना पड़िछि। नंबर 5 महाप्राणय गाड़ी थिबा सत्ते बाइक रे बुआला छात्री मृतदेह। केन्द्रापड़ा स्वास्थ्य विभाग अवहेलार अन्य एक चित्र मंगलवार देखा मिली। जिला मुख्य चिकित्सालय रे महाप्राणय गाड़ी थिबा सत्ते जड़े 7 वर्षर छात्री को मृतदेह को 20 किलोमीटर दूर गाँ को बाइक रे परिवार लोक नहीं। नंबर 6 गत जानुरी क्रमगत भाव कमुची हीराकत जलभंडार को जल प्रवेश आउ यार कारण साजिश छत्तीसगढ़ कलमा ब्यारेज। ए ब्यारेज समस्त गेट बंद थिबा बेले बंदाइबे पाणी ओडिशा आसुनी। रिपोर्ट कहुचे मार्च मासरे बेसी प्रभावित होइचे हीराकुद जलभंडार। गत जानुरी मासरे 0.332 मिलियन एकर फुट जल हीराकुद जलभंडार को आसीथिला। फेब्रुवारी मासरे ता 0.164 मिलियन फुट को खसी जाइथिला। मार्च मासरे या 0.113 मिलियन एकर फुट खसी आसी। नंबर 7 गतकाली भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात करिछंती। से ओडिशार विकास प्रसंगे आलोचना करिछंती। एथि सहित विभिन्न प्रसंगे से प्रधानमंत्री उपदेश को मध्य ग्रहण करिछंती। पूर्वर से प्रधानमंत्री को भेटी निजर रिपोर्ट कार्ड प्रदान करिथिले। नंबर 8 सबु थाना महिला हेल्प डेस्क जरूरी। केन्द्र गृह विभाग
एक दशंधि धरी निरंतर परामर्श देवा परे केंद्र सरकार राज्य रे महिला पुलिस रा अंशग्रहण को 33% को वृद्धि करबा को कड़ा पदक्षेप नबा को प्रस्तुत हेउछंती। केंद्र गृह मंत्रालय रा सूत्र रो प्रकाश जे सेई राज्य गुडी करे जेउ महिला माने पुलिस फोर्स रे महिलांक संख्या 33% को वृद्धि करंती नै मानंकर आधुनिकीकरण पांठे बंद होई जिवो। देशर समस्त पुलिस स्टेशन रे जने महिला हेल्प डेस्क स्थापन करबा को गृह मंत्रालय एक लक्ष्य धार्य करिछि। राज्य गुडी करे वर्तमान पुरुषंक खाली पदव को रूपांतर करबा एवं महिला मानक पई कांस्टेबल एवं सब इंस्पेक्टर अतिरिक्त पदवी सृष्टि करबा को सूचना दिया जाइछि। नंबर 9 लोकसभा रे अपराधीक बायोमेट्रिक तथ्य संग्रह बिल पास 14 दिन रे पहुंचिलाने द्वितीय पर्याय बजेट अधिवेशन। अपराधिक प्रक्रिया चिन्हट बिल 2022 लोकसभा रे पास होईचे फळरे तदंतकारी अधिकारीको अपराधीक बायोमेट्रिक विवरणी संग्रह करबाको क्षमता मिलिबो। मार्च 28 रे बिलती गृह रे आगत हेबा परे विरोधी आपत्ति उठाइथिले। अपराधीक बायोमेट्रिक तथ्य संग्रह बेआईन ओ असंवैधानिक बली दर्शाइथिले। तेबे या केवल जघन्य अपराधिक क्षेत्र लागू हेबा बली गृहमंत्री अमित शाह प्रतिश्रुति देबा परे बिल गृहीत होइथिला। ए नुआ बिल आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 रे स्थान नेबो। बिल रे पुलिस को अपराधीक अंगुली छाप हात चिन्ह पाद चिन्ह फोटोग्राफ आखि शारीरिक बायोमेट्रिक नमूना संग्रह करबा लागि क्षमता मिलिबो। बिल उपरे आलोचना रे भाग नै सा कहिसंते बिल व्यवस्था अनुसार पुलिस द्वी पाद आगो को जाई परिबो। नंबर 10 मोदी सरकार रे सब किछि ठीक अछि त लोकमत टाइम्स रा रिपोर्ट परे उठिला एमिति प्रश्न। मोदी सरकार रे सब किछि ठीक अछि त एबले प्रश्न उठिबार कारण लोकमत टाइम्स रे प्रकाश पाइथिबा एक रिपोर्ट। एतरे कुआ जाय जे मोदी सरकार को जने प्रभावशाली मंत्री कुआडे कहिसंति जे से जते बेले चाहिबे सरकार पतन घटाई परिबे। ए रिपोर्ट को नै देशर राजनीतिक माहौल रे चर्चा तेजी छि। लोकमत टाइम्स नागपुर संस्करण रे ए रिपोर्ट रे कुआ जाय छे जे मोदी सरकार बाहर सब केचे ठीक ठाक थिबा देखा जाउ थिले बे भितरे विवाद देखा जाय छे। ए परिके प्रधानमंत्री मोदी ओ तांकर जने मंत्री एबे महाम स्थिति रे अछंती कथा एते बिगड़ी जाय छे जे आवश्यक रे सरकार पतन घटाइबे को मध्य संपृक्त मंत्री जनक धमक देथिबा रिपोर्ट रे कुआ जाय छे। मोदी कैबिनेट ए मंत्री क पाखरे 225 जने बीजेपी सांसद क समर्थन थिबा रिपोर्ट कहि छे। तेबे संपृक्त मंत्री का परिचय गुप्त रखिछि लोकमत टाइम्स। मोदी कैबिनेट रा अन्य जने मंत्री का साक्षात्कार आधार रे ए रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। एतिरे कुआ जायछि मोदी ओ संपृक्त मंत्री के मध्य रे पूर्वर शत्रुता रही आसीछि। एपरि के पूर्वर मंत्री जनक मोदी को कहितले क्षमता थिले तांको मंत्रिमंडल रो विदा करि देखांतो। एस मंत्री जनक चेतावनी दे कहिथिले जे से जत्ते बेले चाहिबे सेते बेले मोदी सरकार पतन घटाई परिबे कारण 225 जन बीजेपी सांसदक समर्थन तांक पचरे अछि। हेले आदर्शगत कारण रो से इपरि करुणथिबा रिपोर्ट कहिछि। संपृक्त मंत्री के तांकर परिचय अस्पष्ट रहिछि। नंबर 11 बीजेपी नेता को प्रधानमंत्री को अपील निज अंचल रे पोखरी खोलिबा पई श्रमदान करंतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दल रा नेता और कार्यकर्ता मानको निज निज अंचल रे पोखरी खोलिबार श्रमदान करिया पई कहिसंते। मंगलवार अंबेडकर भवन रे होइतिबा बीजेपी संसदीय दल बैठक रे प्रधानमंत्री एपरि सूचना देछंते। ए संसदीय दल बैठक रे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी मध्ये उपस्थित थिले। प्रधानमंत्री एप्रिल 7 तारीख रो एप्रिल 20 तारीख पर्यंत सामाजिक न्याय सप्ताह पालन करबा पई निर्देश दैछंते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती अवसर रे प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रम रो घोषणा करिछंते। ए दिन प्रधानमंत्री बीजेपी रो कार्यकर्ता मानको संबोधित करिवे। या व्यतीत एप्रिल 7 रे आयुष्मान भारत योजना रे जन औषधि केंद्र कार्यक्रम हेबो। एप्रिल 8 रे प्रधानमंत्री आवास योजना। एप्रिल 9 रे हर घर जल। एप्रिल 11 रे जयतिबा फळे को ने कार्यक्रम आयोजन करा जिवो बोली जणा पड़ी छे। नंबर 12 उत्तर प्रदेश रा बड़िया जिल्ला रे एक डॉक्टर खाना को जणा वृद्ध निज असुस्थ पत्नी को ठेला रे टाणी नेउतिबार एक वीडियो मंगलवार दिन वायरल होइतिला।
मार्च 28 रे जिल्ला रा अंडावर ग्राम रे ए घटना घटेबार गणमाध्यम रिपोर्ट रो प्रकाश साकळ प्रजापति नामक जने वृद्ध तांको 55 वर्षिया पत्नी जोगनी को एक ठेला रे डाक्टरखाना को नैथिबार वीडियो वायरल होइथिला। एबे उपमुख्यमंत्री मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग रा महानिर्देशक को ए घटना जांच करबा को निर्देश दैछंती। मार्च 28 रे प्रजापति तांको पत्नी को एक एम्बुलेंस पाइन नथिबारो ठेला रे तांको घरटारो 3 किलोमीटर दूर रे थिबा एक स्वास्थ्य केंद्र को नैथिले। नंबर 13 मद पियोथिबा बेले धरा पडिले 5000 टंका जरिमाना लागिला कैबिनेट मोहर। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अध्यक्षता रे सोमवार संध्या रे राज्य कैबिनेट बैठक शेष होईचे। ए कैबिनेट बैठक रे मोट 14 एजेंडा पर मोहर लागिचे ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ ବନ୍ଦ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2022 ଅଧୀନରେ ଜରିମାନା ଟଙ୍କା ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ବିହାରରେ ମଦ ବନ୍ଦ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଇନ 2 ଗୃହରେ ପାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମଦ ପିଉଥିବା ଧରାପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଜରିମାନା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ମଦ ନେଉଥିଲେ 2000 ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜରିମାନାର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ହେବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଜରିମାନା ଦେବା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବି ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧରାପଡ଼ିଲେ 1 ବର୍ଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 14 କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଦେଶର ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକ ସଂସଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ସହ ସୋନିଆ ଦଳୀୟ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାସ୍ତବିକ ନିରାଶଜନକ ଥିଲା ବୋଲି ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ଏବେକା ସମୟର ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଏ ବାବଦେ ମିଳିଥିବା ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଣୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନମନୀୟ ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଦେଶର ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କର। ଦେଶରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କରଜରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆମ ଦଳ କରଜମୁକ୍ତ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ଲାଭରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ପଞ୍ଜାବର ମଣ୍ଡପରେ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟିର କରଜ ରହିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କରଜମୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ଲାଭରେ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଜାବକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ ଟ୍ରାକକୁ ଆଣିବୁ। ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଦେଶର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା, ଦେଶର ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଗକୁ ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।